गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 की इंग्लिश का विषय, जिसके अंदर आज हम कुछ नई नई चीजों को जानेंगे। और वो नई नई चीजें क्या है, हम उनको यूज करते आए हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये बताए, अभी जो मौसम है वो कौन सा मौसम है? सर्दियों का है या गर्मियों का है या रेनी सीजन है? कौन सा सीजन है? यस, अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, आज हम मौसम के बारे में चीजें जानेंगे कि हम किन किन मौसम में किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो है नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड इन समर विंटर एंड रेनी सीजन, यानी कि गर्मियों में, सर्दियों में और जो वर्षा ऋतु का, यानी कि वर्षा का जो मौसम है, वर्षा ऋतु है, उनके अंदर हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं समर सीजन के बारे में, गर्मी के मौसम के बारे में। अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो हम क्या क्या चीजें जो है वो यूज करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट, वो है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। स्पेलिंग ऐसी COLD, कोल्ड, DRINK, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा टी शर्ट। ठीक है, गर्मियों के अंदर हम जैसे हाफ बाजू की जो टी शर्ट होती है उनका प्रयोग करते हैं। जो टी शर्ट की स्पेलिंग है वो है PSHIRT, टी शर्ट। ओके, थर्ड है हमारा फ्रॉक। ठीक है, FROCK। ठीक है, जो लड़कियां जो है वो फ्रॉक डालती हैं, FROCK। उसके बाद है हमारा AC, एयर कंडीशनर। ठीक है, हम जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर जैसे या गाड़ी के अंदर AC का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठंड करने के लिए। ठीक है, गर्मियों के अंदर ठंडक की जरूरत के लिए हम घरों में या गाड़ियों में AC लगवाते हैं। उसके बाद है हमारा कूलर। कूलर तो आपने देखा ही होगा, है ना, स्पेलिंग ऐसी COOLER, कूलर, ठंडा करने वाला। ठीक है, आप देखा होगा पंखे से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें पानी गिरता रहता है और ठंडी हवा आती है। उसके बाद है हमारा फैन, FAN, फैन, फैन मीन्स पंखा। ठीक है, यह भी हम गर्मियों में अधिकतर प्रयोग करते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर विंटर सीजन। ठीक है, विंटर मतलब सर्दियों के मौसम में हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, वो सब हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, क्या क्या है? हीटर, HEATER, हीटर, गर्मी देने वाला, ये इलेक्ट्रिक थिंग है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक एक ऐसा टूल है जो बिजली के प्लग में लगा देते हैं और इसमें से रोड में से उष्मा निकलती है, इसी कारण गर्मी कमरे में पैदा हो जाती है। इसके बाद है हमारा स्वेटर। स्वेटर हम सर्दियों में आपको पता है डालते हैं, कोट भी डालते हैं, तो ये सब हमारे विंटर सीजन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। उसके बाद ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। ठीक है, हम सर्दियों में सोते समय आपको लेते हैं ना कंबल, रजाई। ठीक है, तो ये हम उसके बाद है हमारा कैप, जैसे सर पे जैसे जो डालते हैं ना बड़ी सी कैप सर्दियों से बचने के लिए, तो वो CAP कैप। उसके बाद है स्कार्फ। स्कार्फ आपने देखा होगा गले में डालते हैं हम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं SCARF, स्कार्फ, जो हम गले में लंबा सा इतना 1 या 1.5 मीटर का होता है, उसको हम गले में डालते हैं, ऐसा कपड़ा। उसके बाद है जो रेनी सीजन के अंदर, यानी कि वर्षा के मौसम में हम जिनका प्रयोग करते हैं, सबसे पहला है हमारा रेनकोट। रेनकोट अपने आप की कोई मिल दिया गया है, जैसे मुन्नी जो रेनकोट डाल के बाहर निकलती है। उसके बाद है हमारा स्लीपर। ठीक है, जो ये जूते होते हैं, ये बड़े बड़े जूते होते हैं, ताकि जो पानी या मिट्टी है वो हमारे जो मिट्टी जो पानी है वो हमारे पाँव को खराब ना कर दे, इसलिए हम जो स्लीपर्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का प्रयोग पता ही है, अम्ब्रेला का प्रयोग जो है वो हम गर्मियों में धूप से बचने के लिए करते हैं और रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए, अगर कहीं बाहर जाना है तो अम्ब्रेला का प्रयोग हम करते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हम समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन के अंदर प्रयोग करते हैं। आप इनको लिखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर
सेंड करें। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।